This video is brought to you by Shaheen Group of Institutions, now in Hyderabad. इतनी गंदगी है वो यहाँ पे कहा डालते हैं, आईसीयू में लिखे वहां से रिक्वेस्ट करे वहां से फिर ऐसा कहा डालते हैं। बार सेपरेट है भाई, सेपरेट है ये देखो। बेट के ऊपर से आओ, अम्मा बोल के बोले तो साथ में कोई तो ठहरना नहीं, हम नहीं तो तुम तो आए भी नहीं मई गए तो क्या बोल रहे, बच्ची उतरने गई धन के गिर गई मेरी बच्ची, अटेंडर भी जाके उठा के गिर गए तो वो डॉक्टर भी गाल अंदर, पेशेंट भी गाल अंदर, तुम बाहर जाओ ट्रीटमेंट नहीं करते करते दो घंटे और रोते बैठे हम जाके वहाँ पे, हमारे तकलीफ हम कहते कहीं कुआते हमारे खाना ज्यादा होगा देखो यार बेफालतू में इतना लेजी होगा पेशेंट डॉक्टर लोग। अरे सौ जन वो बोले तो वही बात, सौ जन तो वही बात करे, अपना चेक कर रहे अंदर आने देते नहीं, देख दे रहे अंदर आने दे रहे नहीं, आने नहीं दे तो मैं फिर भी मेरा जान तड़प रहा बच्चे बोल के मैं बाहर डर रही भैया, ऐसा गेट को डरी मैं दल बोल के बच्चा आवाज गिरी तो मैं अंदर गई, क्या बोल के बात करने जा रहा हमको बताते हैं आके एक डेढ़ घंटा ఇంకా స్కానింగ్ చేయలేదు, 10 నిమిషాలు స్కానింగ్ సార్, ఇప్పుడు వచ్చినావా? అవునా ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూస్తురు और जो है सो यहाँ पर आने वाले सभी गरीब आवाम है, तो यहाँ यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को जो है सो इतना ये कर रहे हैं पूछो मत, कि हम लोगों को वहाँ से मलकपेट हॉस्पिटल से यहाँ पर आए हम लोग, और जो है सो हम लोगों को इट्टी के वैसा डाल दिए मच्छरों में, उसमें इसमें गंदगी में, बोलने पर हमा को नको बोलो, हमा को कहीं को बोल रहे हैं हम यहाँ इलाज करने को आए, गंदगी साफ़ करने को नहीं आए, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। और दाहिनी अम्मा है और झाड़ू झाड़ने वाली है और वॉचमैन है, ये सब मिल के जो है सो गरीब आवाम के पास लड़का होने से जो है सो 1500 रुपये 2000 और लड़की होने से 500 रुपये मांग रहे हैं, और जो है सो जो क्लीन करते औरत बाहर से आने के बाद उसके पास से 200 रुपये ले रही, और ये वॉचमैन है 50 रुपये दियो 100 रुपये दियो वैसा ऐसा बोल के ऐसा बोल रहे हैं। और ये जो है सो क्या बोलते हैं अपना जजगी खाना है ये, हम लोग पुलिस लाइन से इधर आए हैं, बच्ची को बुखार है बोल के यहाँ पर आके हम लोग एडमिट हुए, तो जो है सो ऐसा हमारे साथ कर रहे हैं। तो आपकी बेटी को और ए हमारी बेटी को जो है सो अब ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं उन लोग, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया, रिपोर्ट आने के बाद में हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो बुखार का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोरोना है, कोरोना नहीं है, लेकिन एक घंटे के वास्ते बुखार आया था, ऑपरेशन करने के बाद में एक घंटा आता है ऐसा बुखार ज़रा हरारत की वजह से, तो उन्होंने कोरोना है बोल के रिपोर्ट क्या बोलते टेस्ट करके रिपोर्ट भेजे, ठीक है भाई बोल के हम लोग अभी खामोश बैठे हैं, तो रिपोर्ट निकालने के बाद मालूम हुआ तो अच्छे अच्छे ना बोल के हम लोग अभी दूसरे पेशेंट्स को कहीं को तकलीफ होना बोल के हम लोग अभी आके यहाँ पर है, तो जो है सो रिपोर्ट्स भी अभी आज को तीसरा दिन है, रिपोर्ट्स भी हमारे को पूछे तो कह कि हमारे को नहीं मालूम बड़े मैडम को मालूम है बल्कि ऐसा बोल रहे हो लगा। तो कब लिया ये टेस्ट, कब लिया ये टेस्ट? देखिए दो दिन पहले लिया, ये आज को तीसरा दिन है, तो रिपोर्ट नहीं आई, रिपोर्ट नहीं मालूम, आज पूछे तो जो है सो हमारे को नहीं मालूम बड़े मैडम को मालूम है बल्कि ऐसा बोल रहे। तो अंदर के स्टाफ से कैसा आपका बिहेवियर, कैसी बात? नहीं नहीं उन लोग बहुत ही बदतमीजी से बात करते, उन लोग एकदम झिड़की से बदतमीजी से बात करते,
जब पैसे दिए तो जब नरम लहजे से बात करते, उसके बाद में जो है सो फिर उनका बर्ताव वैसी रहता। और गंदगी तो पूछो ही नको, जो बीमारी बाहर से आने वाली है यहाँ पर दवाखाने को आके बीमारी जाने के वास्ते बोल के आते, लेकिन दवाखाने में बीमार हो जाते। मेरी बच्ची को, मैं छोटी है बच्ची बोल के जो है सो भेज डाली इतनी गंदगी में, दूध पीते सो नौमौलूद बच्ची घर में यहाँ पर नहीं रहना, फिर उसको टेस्ट वे करते बाहर की, फिर दूसरी बीमारी आके, बीमारी तो है नहीं लेकिन फिर टेस्ट वे करके वो बच्ची को छन्नी छन्नी कर डालते, वो बोल के मैं घर पर भेज डाली वो बच्ची को। हमारे गरीब आवाम के तरफ से हम मीडिया वालों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये ऊपर तक गया तो अच्छा है, क्योंकि ये गरीब आवाम के वास्ते मैं आवाज़ उठा रही हूँ, लेकिन बोल रही हूँ कि अंदर जो है सो बहुत गरीब आवाम है और अंदर रह के मैं देख रही हूँ, इसीलिए मेरे को बोलना पड़ रहा मजबूरन। This video is brought to you by Shaheen Group of Institutions, now in Hyderabad.